नमस्कार, मैं मुकेश चौधरी। आप देख रहे हैं मार्केट टाइम टीवी। आज हम आए हैं राजस्थानी कृषि उपज मंडी जयपुर। यहाँ के व्यापारी और किसानों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के ढूंढाड़ और शेखावटी क्षेत्र में जौ की फसल के बारे में और अब की बार 2024 में मार्केट में जौ के किस प्रकार के भाव और गिरावट और तेजी आने वाली है। नमस्कार जी, मैं कमल किशोर, राजस्थानी कृषि उपज मंडी में जो कि अच्छी खासी आवक देखने को मिल रही है इस बार दिसंबर और जनवरी और फरवरी में मावठ होने के कारण दाना अच्छा और मोटा पका है। अभी फसल कटनी चालू हुई है, रोज दिन में 80 से 100 ट्रैक्टर जो लेकर मंडी में आ रहे हैं। भाव की बात करें तो 1800 रुपये से लेकर के 2150 रुपये और लास्ट 2300 रुपये तक गए हैं। पिछली बार देखा गया था कि ओले और धुंधाड़ क्षेत्र में ओले और अपने बारिश से काफी फसल को नुकसान हुआ था, जिस वजह से 1 बीघा के अंदर कम से भी कम नहीं तो मानिए 1.5 क्विंटल, 1.5 बोरी माने आप तो इतनी फसल हुई थी। पर इस बार अच्छी मावट होने से मार्केट भी अच्छा रहेगा और कम से भी कम नहीं 1 बीघा में 8 से 10 बोरियां इस बार फसल अच्छी बनी रहेगी। राजस्थान कृषि उपज मंडी के व्यापारी कमल किशोर का कहना है कि पिछली तुलना में इस बार काफ़ी अच्छी फसल हुई है, क्योंकि पिछली बाहर राजस्थान के ढूंढाड़ी और शेखावटी क्षेत्र के अंदर काफ़ी सर्दी और ओलावृष्टि होने के कारण 1 बीघे के अंदर 2 से 3 क्विंटल ही जो बैठे हैं। इस बार जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने के अंदर बारिश होने के कारण इस बार 1 बीघे में 6 से 7 क्विंटल जो बैठ रहे हैं, जो कि एक किसान और व्यापार के चेहरों पर एक अलग ही खुशी दिखाई दे रही है। इस बार जौ का मार्केट काफी अच्छा रहेगा।